नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर मनीष चौमाल है। मैं HCG कैंसर सेंटर जयपुर में मेडिकल डायरेक्टर हूं और रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हूं। मैं अभी इस वीडियो में रेडिएशन या रेडियोथेरेपी के बारे में बताने जा रहा हूं। रेडियोथेरेपी कैंसर के उपचार की एक सबसे पुरानी विधि है। तकरीबन 70% कैंसर पेशेंट को अपने इलाज के दौरान कभी ना कभी रेडियोथेरेपी की आवश्यकता पड़ती है। रेडिएशन में हम लोग हाई एनर्जी के एक्सरेज को कैंसर के ऑर्गन पे या जो कैंसर के इन्वॉल्व नोड है उसके ऊपर फोकस करके उसके DNA को डैमेज करते हैं, जिससे कि कुछ समय के बाद कैंसर में के सेल्स हैं वो डेड होने लग जाते हैं, कैंसर के अंदर हमें रेस्पॉन्स मिलने लगता है। रेडियोथेरेपी का जो इलाज है वो पूरी तरह से आउटडोर बेस्ड इलाज है। इसमें पेशेंट को एडमिट नहीं होना पड़ता है और ये एक नॉन इन्वेजिव ट्रीटमेंट का तरीका है। नॉन इन्वेजिव का मतलब कि इसमें किसी चीरफाड़ या ब्लड लॉस वगैरह की संभावना नहीं होती है। रेडिएशन का प्रयोग 3 तरीके से किया जा सकता है। कुछ ऐसे ट्यूमर हैं जैसे कि मुंह और गले के कैंसर, जैसे कि आवाज़ के बक्से का कैंसर, टॉन्सिल का कैंसर या फूड पाइप या इसोफेगस का कैंसर, बच्चेदानी के मुंह का कैंसर या लंग कैंसर, इन सब में रेडिएशन उसके इस कैंसर के इलाज का प्रमुख तरीका है, जिससे कि इस कैंसर को मिटाया जा सकता है। इसके अलावा रेडियोथेरेपी का प्रयोग सर्जरी या कीमोथेरेपी के साथ किया जाता है। कुछ स्थितियों में इसको ऑपरेशन से पहले किया जाता है, जिससे कि ट्यूमर को छोटा करा जा सके और ऑपरेशन को आसान बनाया जा सके, और कुछ केसेस के अंदर इसको सर्जरी के बाद किया जा सकता है, जिससे कि कैंसर के वापस आने के चांसेस को हम कम कर सकें। ये यूजुअली ब्रेस्ट कैंसर में, ब्रेन ट्यूमर में, लेटन के रास्ते यानी कि रेक्टम के कैंसर में इस तरीके से इसका इस्तेमाल करा जाता है। आजकल के दौर में ऑर्गन प्रिजर्वेशन का समय है, जहाँ पे कैंसर के उपचार के साथ हम ये ध्यान रखते हैं कि संबंधित ऑर्गन को बचा सकें। तो इन ऑर्गन प्रिजर्वेशन अप्रोचेज में भी रेडियोथेरेपी का अहम रोल है। अभी रेडिएशन के प्रयोग से हम उस ऑर्गन को बचा के भी सेम रिजल्ट पा सकते हैं। ऐसा पेशाब की थैली के कैंसर में भी किया जा सकता है और ब्रेस्ट कैंसर में भी किया जा सकता है। इनके अलावा कई बार शॉर्ट कोर्स ऑफ रेडिएशन दिया जाता है। पेशेंट को अगर ब्लीडिंग हो या कहीं पे अत्यधिक दर्द हो तो उसके सिम्टम्स को रिलीव करने के लिए रेडिएशन का यूज़ किया जाता है, जो कि ब्लीडिंग को रोक देता है या पेशेंट के दर्द को कम कर सकता है। समय के साथ रेडिएशन में नई टेक्निक्स का यूज़ होने लगा है, जिनमें से एक प्रमुख तकनीक है स्टीरियोटेक्टिक रेडियो सर्जरी। ये वो तकनीक है जिसमें कुछ सेलेक्टिव ट्यूमर्स को सिंगल या 2 या 3 सिटिंग में ट्रीट करा जा सकता है। इसमें चूंकि सिंगल सिटिंग में ट्यूमर को ट्रीट कर देते हैं, तो इसकी तुलना कुछ सेलेक्टिव केसेस में सर्जरी से की जाने लगी है, जहाँ पे एक बहुत हाई डोज को बहुत सटीक तरीके से ट्यूमर पे फोकस करके डिलीवर करा जाता है। एंड ये जो SRS टेक्निक है, अब ये सारी तरह की गाइडलाइंस और USFDA से अप्रूव्ड है। स्पेशली ये ब्रेन ट्यूमर के अंदर इस्तेमाल होती है या कुछ ऐसे सेलेक्टिव ट्यूमर जहां इलाज के बाद 2 या 3 छोटी जगहों पे ट्यूमर दोबारा रिकरेंस हो गई हो, दोबारा उत्पन्न हो गया हो, तो उन ट्यूमर के सेल्स को इस तकनीक के द्वारा अबलेट करा जा सकता है बिना किसी तरह की सर्जरी के किए हुए। तो ये एक नई टेक्निक है। मैं बताना चाहूँगा कि HCG में ये सारे कैंसर के रेडिएशन की तकनीकें उपलब्ध हैं और यहाँ पे जो टीम, जो मशीन, जो इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सभी इन सभी रेडिएशन टेक्निक्स के लिए अनुभवी हैं और लेटेस्ट इक्विपमेंट्स हैं, जिससे कि पेशेंट को एक सटीक एंड सुरक्षित इलाज मिल सके। धन्यवाद।